तो हमने अपने क्वेश्चन को, अपने इस पहले वाले लेक्चर को यहीं पर रोका था कि गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा किसने शुरू की। ये इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था। आवाज जा रही है? ऑप्शन पेन का ऑप्शन आ रहा है, अब नहीं आएगा आर्यन। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, आदित्य पांडे। अच्छा आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चों, तो वीडियो आप लोग ओपन कर लो अपना, ठीक है। ये चीज़ के लिए मैं क्यों कहूँ, बार बार ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अच्छा वैसे भी मैं रोज़ नहीं कहता। अच्छा इसके बाद ये क्वेश्चन तो हो चुका था, तो यही है हमारे कौन, हाँ जवाहरलाल नेहरू जी थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है आइए, अब इधर क्या चीज़ है इसको अभी समझते हैं। और पहले तो मैं इस पॉइंट पर ही अपना एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहीं से अटैच किया था। बच्चों अब मैसेज ना करो, है ना, चलो ठीक है। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कहा था ये क्वेश्चन कि जब 26 नवंबर को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन करके आ चुका था, तो हमने क्यों नहीं 26 नवंबर को ही एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, हमने 26 जनवरी को ही क्यों डिसाइड किया। तो आइए इसके पीछे कुछ कहानी है, कहानी को शुरुआत करें। तो 26 जनवरी, अगर मैं कहूँ कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के लिए हमने क्यों चुना इस डेट को, तो अगर मैं इसका आंसर कहूँ तो देखिए एक कहानी है कि 1929 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 1929 की बात है कि लाहौर में। अच्छा इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं पहले, ये चीज़ देखिए क्या हो रहा था कि 31 दिसंबर 1929 की बात है, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, या पर अध्यक्षता का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही मेन देख रेख कर रहे थे, ठीक है, लोगों के मेन लीडर थे। तब उन्होंने कहा कि भारत जो है, यानी जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा वर्चस्व कांग्रेस का था, तो ये भी लोग कांग्रेस के ही लीडर थे। तो उन्होंने कहा, यानी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम भारतवासी अपने लिए एक दिन चुन रहे हैं जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी दिन से क्या होने लगा, लोग उस जैसे ही इन्होंने कहा कि हम वो डेट 26 जनवरी चुन रहे हैं, तो तुरंत ही सबके सब लोग क्या करने लगे, इनकलाम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था, जब इन्होंने कहा कि अभी। अच्छा बच्चों म्यूट वगैरह तो सब कुछ है ना, सब लोग म्यूट हो, एक बार मुझे मैसेज करो, म्यूट तो मैंने किया नहीं, एक बार जल्दी बता दो कि आवाज़ वगैरह तो मेरे अलावा किसी और की नहीं जा रही है, जल्दी बताओ, मैसेज करो जल्दी से। क्या यस सर, मतलब सब लोगों का ऑप्शन मतलब म्यूट में है ना, हटो मैं चेक ही कर लेता हूँ, तुम लोग जो है म्यूट है, इतनी देर में मैं चेक कर लेता। जी सर सब म्यूट है। हाँ तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि 26 जनवरी को ही वो डेट क्यों डिसाइड करी गई। यहाँ पर कह रहे हैं 31 दिसंबर 1929 की बात है कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि हम एक डेट डिसाइड करते हैं, उन्होंने मतलब एक प्रस्ताव लोगों के सामने रखा कि हम एक डेट डिसाइड करते हैं कि हम भारतवासी अपने लिए एक दिन चुन रहे हैं जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो प्यारे जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या करने लगे, तुरंत इनकलाम जिंदाबाद के नारे के साथ 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहरा दिया था, है ना, यानी झंडा भी फहरा दिया था। और ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी के दिन पूरे देश भर के अंदर, क्योंकि 26 जनवरी और 31 दिसंबर एंड 26 जनवरी के दिन में बीच में टोटल मेरे ख्याल से 25 दिन थे, तो टोटल इन 25 दिनों में लोगों ने डिसाइड किया कि आज से हम 26 जनवरी की तैयारी करेंगे।
और इन 25 दिनों में भारत के हर कोने कोने तक इस बात को फैला दो कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज के दिवस में मनाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ये 25 दिनों में इस काम को कर दिया गया, भारत के कोने कोने तक ये डेट पहुंच गई कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज के दिवस मनाएंगे। तब से आज तक हम क्या करते हैं, इस 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? बच्चे मैसेज कर रहे हैं फटाफट, क्या बात है। सर रिया सिंह, अच्छा रिया सिंह अपने तरफ से इतना तो तुम समझदार हो, अगर तुम्हारा अनम्यूट है तो अपने साइड से तुम म्यूट कर सकते हो। बहरहाल अब मैं सबको ही कर देता, कहाँ कोई अच्छा अनम्यूट है, रुक जाओ मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। मतलब बच्चों थोड़ा सा लापरवाही अगर हो जाती है तो खुद से अपना केयर करना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, होता है, पर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो तुम लोग भी। अब तो सब सही है ना, मैंने कर दिया। मैं सोचता हूँ टाइम बचे और इसी फ्लो में मैं वापस से नहीं आना चाहता। बहरहाल तो मैंने ये बता दिया कि जो 31 दिसंबर को इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस डेट के लिए लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, तो इनकी बात से सब लोग एग्री थे। उसी दिन से सब लोग इंकलाम जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और रावी नदी के तट पर उसी समय लोग झंडा भी फहरा दिए। और ये डिसाइड किया गया कि 31 और 26 के बीच में 25 दिन का समय है, 25 दिन में ये भारत के कोने कोने तक पहुँचा दो कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, और ये गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और तब से क्या करने लग गए, ये काम हो गया। और 26 जनवरी को मतलब कोने कोने से सब लोगों के अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया और सब लोग इसके लिए, मैंने पूरे भारतवर्ष में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। और आज भी तब से ऐसा ही होता है, हर 26 जनवरी को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो कह रहे हैं सर, अगर मेन अंतर कहा जाए कि जब 26 नवंबर 1949 को मतलब हमें ड्राफ्ट बना करके सौंप दिया गया था, उस ड्राफ्ट की कमेटी लोग थे 6-7 लोग शायद, यहाँ पर मैं उनका फोटो भी लेकर के आया हूँगा, रुको देखता हूँ। नहीं है शायद, नहीं है, कोई बात नहीं। अरे ये अनम्यूट कैसे, मतलब तुम लोग हो जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं तो यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। चलो अरे जो कोई भी अपने तरफ से म्यूट का ऑप्शन, मतलब अगर उसको अनम्यूट कर लो खुद से, है ना। यहाँ पर फोटो नहीं है वो वाली, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन यहां पर आएगा कि अब तक कितनी बार जो है ये चीफ गेस्ट नहीं आए थे। पहले चीफ गेस्ट आने का वो रीजन समझाता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये कौन है, सुकर्णो, है ना, ये पहले चीफ गेस्ट थे। तो हुआ क्या था कि जब साथियों 26 जनवरी 1950 का दिन था, तो हमने अपने यहाँ पर एक चीफ गेस्ट को बुलाया था। देखिए यही कि मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बुलाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीफ गेस्ट जिसका नाम है सुकर्णो, इन्होंने इंडोनेशिया के, ये क्या थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, ये जो व्यक्ति है इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे, इनको इन्होंने बुलाया था 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी 1915 को। किस लिए बुलाया था, कि दिखाने के लिए कि देखिए हमारा ये चीज जो हमने बुक लिखा है कितना अच्छा कितना खूबसूरत सा ये किताब है, इस किताब को देखिए। तो इसलिए इनको ये बुलाए थे फर्स्ट टाइम पर। तो कह रहे हैं, और ये इन्हें क्यों बुलाए थे, कह रहे हैं ये वही नेता है जिनके दौरान जब पूरा विश्व क्या था, एक युद्ध था, शीत युद्ध, तो उस शीत युद्ध के में पूरा बिजी चल रहा था, पूरा उस शीत युद्ध होने वाला था। क्या है, मैंने इसको करंट वाली क्लास में पढ़ाया था शीत युद्ध, याद होगा तो अच्छी बात है। तो क्या हुआ, शीत युद्ध के बारे में पूरी की पूरी चर्चा चल रही थी, सब सारे देश परेशान थे। तो ये व्यक्ति हैं जो इंडिया की तरफ आए और इन्होंने गुट निरपेक्ष की बात सबसे पहले कही थी, मतलब हम सब एक साथ अगर रहें तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कुछ बातें इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समझाई। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हों क्या किया था, अपने यहाँ 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट टाइम इन्हें अपने यहाँ पर इन्विटेशन दिया था एज ए चीफ गेस्ट। इनका नाम था सुकर्णो, SUKR
KARNO सुकर्नो, ठीक है, नाम वगैरह लिखते रहना, सब चीज अच्छे से चीजें हैं। इनका नाम था सुकर्नो, ठीक है। तो इन्होंने तब से आज तक क्या हुआ, हमेशा चीफ गेस्ट आते हैं, तो हर हर साल ही 26 जनवरी को चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं। 4 बार अब तक ऐसा हुआ है कि चीफ गेस्ट हमारे यहाँ नहीं आए हैं, 1952, और उसके बाद 53 है ना, 1953, फिर 1966, और एक अब की बार 2021 में, ठीक है, 1952, 1953, 1966, और ये अब की बार 21 में हम इतनी, ये 4 बार चीफ गेस्ट हमारे यहाँ नहीं आए हैं किसी कारणवश। सर क्या नाम था चीफ गेस्ट का, सुकर्णो, सुकर्णो है ना, SUKARNO, सुकर्णो इनका नाम था, ठीक है, यही व्यक्ति हैं, देख लो यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि भारत ने अपना संविधान कब ग्रहण किया, तो देखिए बहुत ही गजब की चीज है ये, आपके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन है कि भारत ने अपना संविधान कब ग्रहण किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि देखिए जब हमने बात किया था 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी था, उसे हमारे लीडर्स ने, वो 7 लोग थे, उसे हमारे लीडर्स ने ला करके सबमिट कर दिया, दे दिया था हमें, कब, 26 नवंबर को, है ना। तो उसे हमें 26 नवंबर 1949 को दे दिया था, लेकिन फिर 26 जनवरी को क्या किया था, उसे अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी को। ये देखिए, इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को, ये एडॉप्ट किया गया था, लिया गया था, एंड ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को इसे अप्लाई कर दिया गया था कि अब इसमें लिखी हुई बात सारे के सारे देशवासियों को माननी है ये चीज़, इसलिए हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। देखो, तो अलग अलग चीज है, हर एक जहाँ जगह से भी जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई एक पूछता है, दूसरा पूछता है, हमारे पास सारे आंसर है ना। तो कोई पूछता है कि 26 जनवरी को क्यों नहीं, 26 नवंबर को क्यों नहीं, क्योंकि उस दिन ये बस बन करके हमारे पास इस किताब लिख करके किसी को दे दो, कॉपी लिख कर सर अब चेक करिए, तो सर जिस दिन उस पर साइन करेंगे उस दिन की डेट डालेंगे ना, तो ऐसा जिस दिन उस पर मतलब उसे सबमिट कर लिया गया, सबमिट करने के बाद जिस दिन उसे लोगों को अप्लाई किया गया, तब जा करके वहाँ पर 26 जनवरी 1950 की साइन हुई, और तब से ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट डे, कांग्रेस प्रेसिडेंट सजेशन। देखो ये चीज भी एक कटिंग है, और यहाँ पर द फॉलोइंग रीजन इज इश्यूड ऑन द बिहाफ ऑन द वर्किंग कमेटी ऑन एडॉप्टेशन बाय द पब्लिक मीटिंग ऑल ओवर द इंडिया ऑन द फेयरनेस 26 जनवरी। देखो ये वही चीज है कि 26 जनवरी को ये एडॉप्टेशन है कि 26 जनवरी को इसे क्या किया गया था, लोगों पे अप्लाई किया गया था, ठीक है। चलो, और यहाँ पर ये देखिए, ये अप्लाई होने के बाद का जो कुछ सीन है, ऐसा कुछ है कि फर्स्ट मतलब नहीं अप्लाई नहीं, तो मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि 26 जनवरी के लिए यहाँ पर जो डेट डिसाइड किया गया था, ये वो था पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है, ये वो एक अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग आज की दुनिया में पहुँच चुके हैं, और लेक्चर भी होने वाला है हम लोगों का ख़त्म, फिर आप लोगों से बातें होंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आज के दिन है ना क्या होता है, ठीक है। तो आज के दिन भारत का ये जो परेड हो रहा है इतना लंबा चौड़ा, ये परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू हो करके कहाँ तक जाता है, इंडिया गेट तक जाता है ना, राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर के इंडिया गेट तक जाता है, जो कि नई दिल्ली में है। देख रहे हैं कितना अच्छा सा ये परेड हो रहा है। फिर कह रहे हैं इस दिन ना, अच्छा क्या हुआ, मैसेज मैसेज मैसेज, सर आवाज़ सही से नहीं आ रही है, क्या नाम था चीफ गेस्ट का, बता दूंगा फिर से बता दूंगा, है ना, अभी मालवीय फिर से बता दूंगा, अभी रुके रहो, ठीक है। अच्छा, अब अभी मालवीय तुम्हें ही दिक्कत होती है आवाज की, ये चेक कर लो फिर से अपनी अपने साइड, और लॉग आउट करके फिर से वापस से आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि तीनों सेनाओं, जिससे मैं राष्ट्रपति के पहले तो फोटो दिखाऊँ आप लोगों को, नहीं ला, ये देखिए है ना, ये देखिए। तो कह रहे हैं आज के दिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये तीनों सेनाओं, इन्हें कहा जाता है राष्ट्रपति को ना, प्रेसिडेंट को भी कमांडर इन चीफ कहा जाता है, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। तो कह रहे हैं कि आज के दिन जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये तीनों सेनाओं जो कि कमांडर इन चीफ हैं, वो भारतीय सेनाओं की परेड की अगवानी करते हैं, और उनके अपने द्वारा फ्लैग होस्टिंग भी करवाते हैं, है ना, और सिपाहियों से क्या करते हैं, सलामी भी लेते हैं, ये तीन काम करते हैं, परेड की अगवानी करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और सलामी करवाते हैं। फिर कह रहे हैं ये जो परेड होता है, मैंने पीछे स्लाइड में दिखाया, ये जो परेड होता है कहाँ गया,
हाँ, ये जो परेड होती है ना, ये राष्ट्रपति भवन से लेकर के कहाँ तक जाती है, इंडिया गेट तक जाती है ना, चूंकि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अच्छा, कहा जाता है कि आज इस दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। असल में ये 21 तोप नहीं होता है, ये 7 तोप होता है। 21 तोप नहीं होता, ये 7 तोप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाउंडर्स कहा जाता है। इसे 3 बार में बजाया जाता है ना, 7 7 7 7 3 21, इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति को आज के दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है। असल में ये 21 नहीं, 7 को 3 टाइम बजाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाउंडर्स कहते हैं, ठीक है। और यह तोप 1941 में बनी थी, है ना। हर तोप में 3 राउंडिंग की फायरिंग की जाती है, देखिए नीचे लिखा भी है एकदम साफ साफ कि हर तोप में 3 राउंड की फायरिंग की जाती है, इसलिए ये 21 हो जाता है। और देखिए इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ सभी लोग अलग अलग जो स्टेट होते हैं, यहाँ पर सभी को अपनी झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति है, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी झांकियों को दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पर देखिए केरल का है, जम्मू कश्मीर का है ना, ऐसे ही और भी नीचे में है, तो ये कुछ झांकियाँ हैं जिसे वहाँ दिखाया जाता है, हर साल ऐसा होता है। और इसमें लोग अपने अपने स्टेट के, अपने अपने यहाँ की कुछ फेमस चीज़ों को बना करके लेके आते हैं झांकी में दिखाने के लिए। अरे प्रिया सिंह रुकी रहो, हाथ में दिखा रही हूँ मैं, जान रहा हूँ, रुक जाओ, बाद में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, हर एक जो कंट्री मतलब स्टेट है, हर स्टेट के लोग अपने यहाँ का कुछ फेमस फेमस चीज़ यहाँ पर हमें दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है केरल का, जम्मू कश्मीर का, है ना, ऐसे ही सारे के सारे स्टेट का। और हाँ, इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है अपने यहाँ की झांकी को दिखाने के लिए। सब सब कोई चाहता है अपने यहाँ की झांकी दिखाने का, है ना। तो अपने यहाँ की झांकी दिखाने के लिए इन्हें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, इन्हें जो है रक्षा मंत्रालय की परमिशन लेनी पड़ती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि झांकियों को दिखाने के लिए यानी किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, रक्षा मंत्रालय की परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए ठीक है। और थोड़ा बहुत और बचा, और देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर देखा लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक टेक्नोलॉजी, है ना, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी लिखा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन झांकियों के अलावा भी अगर देश में कुछ नया हो रहा होता है तो उसका भी झांकी जो है बन करके आता है। तो अब की बार भी जो कोरोना वाला सिस्टम हुआ था, तो कोरोना की भी झांकी जो है बन करके यहाँ पर अब की बार दिखाया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी का कुछ सिस्टम है, यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी एक बनी थी, उस लेबोरेटरी की यहाँ पर झांकी दिखाई जा रही है, ठीक है। ये क्या है, कह रहे हैं इन व्यक्ति को आप जानते हैं, देखिए क्या है, झंडे का रंग इन्हीं व्यक्ति ने दिया था, जिनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या नाम है, बंगाली, यहाँ बिल्कुल ऊपर देखिए पिंगोली वेंकैया इनका नाम है। इन्होंने ही क्या किया था, झंडे का रंग, झंडे को एक जो चित्र दिया है इन्होंने दिया है। अच्छा, इसके बाद देखिए नीचे में लिखा है लाला हंस राज, जो कि जलंधर के थे, है ना, लाला हंस राज जो कि जलंधर के थे, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बीच में वो जो पहले वो चरखा हुआ करता था, जो झंडे के बीच में होता है चक्र ना, उसे चरखा लगाने की बात इन्होंने ही करी थी, किसने, लाला हंस राज। और गांधी जी ने क्या किया था, लेकिन नीचे गांधी जी भी हैं, तो गांधी जी ने उस झंडे में वो सफेद रंग देने को कहा था। सफेद रंग क्यों कहा था, क्योंकि ये क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, और जो ये चक्र था, जो कि लाला हंसराज जी ने बताया था चक्र को लगाने के लिए, ये चक्र इसलिए थी क्योंकि ये क्या करता है, तरक्की मतलब समृद्धि, किसी देश की समृद्धि या तरक्की का प्रतीक है वो, हमारे यहाँ का तरक्की का, कि हमारा देश डेवलप कर रहा है वो इसका प्रतीक है, ठीक है। अच्छा, ये झंडे को भी अडॉप्ट कब किया गया था, झंडे को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, इस झंडे को हमने, उन्होंने बना दिया, बनाने के बाद अडॉप्ट कब किया, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन था बनकर को तो पहले रेडी था, लेकिन अडॉप्ट 26 जनवरी को किया गया था ना, ऐसे ही यहाँ पर इस झंडे को भी 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ब्रीथिंग रिट्रीट, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये 26 जनवरी का सिलसिला सिर्फ एक दिन नहीं खत्म होता है, ये 3 दिन चलता है। देख लो, लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझो। पहले तो मैं फिर से मैसेज देखूँ, क्या बात है। अच्छा बताओ, आवाज़ जा रही है कि या फिर सबके साथ ही दिक्कत हो रहा है, जल्दी मैसेज करो, लास्ट टॉपिक बचा है, इसे फिर खत्म करता हूँ, जल्दी बताओ आवाज जा रही है।
सिर्फ अभी मालवीय को दिक्कत है। अच्छा थोड़ा रुक रुक के आ रही है, ठीक है जो भी नहीं जा रही होगी तो उसको यूट्यूब पर जाकर के देख लेना, ठीक है। बहरहाल अब मुझे ख़त्म करना है। अच्छा तो यहाँ पर कह रहा, हाँ बस प्रिया सिंह बस हो रहा है, रुक जा थोड़ा सा, बस लास्ट है ये स्टेप। बस कह रहे हैं जो ब्रीथिंग रिट्रीट है, ये चीज़ शायद कुछ अच्छा लगे कि 3 दिन में ये 26 जनवरी का सिलसिला ख़त्म होता है। ये जो नीचे में आप लोग को सिपाही दिखा रहे हैं, ये क्या होता है, 26 जनवरी की रात राष्ट्रपति भवन के सामने, देखो रात शाम का समय है, राष्ट्रपति भवन के सामने से ये आते हैं। उसके बाद 2 दिन 3 दिन ऐसा लगता है, फिर ये लोग क्या करते हैं अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। तो जब ये ऑफिस में कब जाते हैं, 29 जनवरी को, यानी 26, 27, 28, 29 ऐसा, तो मतलब प्रक्रिया पूरी होती है और 29 जनवरी को ये क्या होता है, उसका नाम है ब्रीथिंग रिट्रीट होता है, जिस दिन ये सिपाही अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और यहीं पर ख़त्म होता है ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर, काफ़ी हटके था। यहाँ पर मैंने किसी राजनेता की बात नहीं करी और काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा और संतुष्टि मिला ये सब चीज़ों को आप लोग के साथ डिस्कस करके। जिस किसी को भी ये सब चीज़ में बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे, आप लोग यूट्यूब पर जाना, वहाँ पर विजिट करना।